मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आई हूँ अपने मायके। कल शाम आए थे हम, तो आज सुबह की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग की है मैंने 7 बजे से। 7 बज रहे हैं। मौसम देखिए यहाँ पे कितना अच्छा, गर्मी भी बिल्कुल नहीं हो रही थी फ्रेंड, बहुत अच्छी नींद आई। तो ये देखिए आपको दिखा, ये देखिए यहाँ पे बादल लगे हुए हैं, बारिश का मौसम हो रहा है रात से, बट आने रही है। पर ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे, ये सामने ही देखिए ये मंदिर है सुरकंडा माता का, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे ऊपर जाके फ्रेंड। और ये देखिए पहाड़, आसमान, सब चीज कितने अच्छे लग रहे हैं देखिए। और ये है सेवा का अधिकार ऑफिस। तो इधर मैं जा रही हूँ अपनी ड्रिंक लेकर बाहर। ये लक्ष्मी देखिए सुबह उठ गई थी, ये पोछा लगा रही है। देखिए मैं बाहर आई हूँ, पापा भर रहे हैं हमारे नहाने के लिए स्विमिंग पूल को। इधर मम्मी बैठी है लोग के साथ बच्चे क्या देख ले हो? हाँ पूछे जल्दी पूछे। ये देखिए लगा है दादी के साथ बात करने में। लो क्या हुआ पूछे आप जल्दी। हाँ वही ना, देखो कुछ बात नहीं कर रहा है, वैसे बहुत बातें करता है। तो ये देखिए पापा उसको भर रहे हैं कि बच्चे आ रखे हैं नहाएंगे। और ये बुजो बैठा है, बुजो 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 को नहलाना। इधर पापा नहला रहे हैं बुजो को, देखिए पानी मोटर से चला रखा है और उसको नहला रहे हैं। इधर दीदी उठकर आई है, चाय पी ली है। और ये देखिए इधर बैठ गई है वो श्लोक को लेकर उसकी मालिश करने के लिए। और यही हस्बैंड भी बैठे हैं, पायल भी उठकर चले गए हैं हस्बैंड जी, तो की वीडियो शूट हो रही है। इधर पापा और ये देखिए मामा अपने भांजे और भांजी को नहला रहा है कि पानी की बचत करता हूँ, भरने नहीं दे रहा है उसको, तो उसी से नहला रहा है। ये देखिए ऊपर आई थी मैं, ऊपर वाली बालकनी से मैंने थोड़ी वीडियो बनाई थी। देखिए नीचे नहा रहे हैं, गाड़ियाँ लगी हुई हैं, देखिए फुल एंजॉय हो रहा है इन लोगों का। 9 बजे ही बैठ गए पुल में नहाने के लिए। उसके बाद मैं ऊपर आई तो बाहर वाली बालकनी में सब लोग सोए थे हम लोग, तो फिर यहाँ पे बिस्तर सारे ऐसे ही पड़े हुए थे, तो मैं उन्हें इकट्ठे करने आई थी। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ बिस्तर इकट्ठे। इधर एक दो बेलें थी तो मैं उनको इन पर चढ़ा रही थी। तो देखिए आप फूल पौधे हैं तो अच्छा लगता है मुझे उनके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना। और इधर हेलीकॉप्टर सुबह से ही चलने लगे हैं, तो बहुत आवाज़ें आ रही है यहाँ पर ना गाइस। सभी हम नहा रहे हैं और ये देखिए ये मैडम नहा रखी है, लक्ष्मी ने बनाया है आम पन्ना जो कि इसकी तारीफ की जा रही है यहाँ पे, बहुत टेस्टी हो रहा है। बहुत ही कैसा हो रहा अच्छा हो रहा दीदी? बहुत टेस्टी हो रहा है, मैंने पिया नहीं है पर तभी सब बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे सब, अभी आधा घंटा नहीं हुआ शायद नींबू पानी दिया था अक्षु ने, और अभी लक्ष्मी ने मेरी बीवी आएगी मैं तभी दूंगा। हम आ गए हैं मौसी के घर। ये देखिए यहाँ पे दीदी गाड़ी खड़ी कर रही है। और ये देखिए बुजो भी आया है हमारे साथ भागते भागते। ये देखिए मिल गया है अपनी गर्लफ्रेंड से, इसे प्यास लग गई और आकर चलते हैं देखते हैं अंदर वाले लोग तैयार है या नहीं। क्या मौसी भी तैयार है, अंजलि तैयार है, काजल मैम बैठी है हमारी तैयार हो गई। इन्होंने एक नींद भी पूरी कर ली है अपनी, उन्होंने बहुत बढ़िया मौसी को बताइए कमेंट्स में मुझे कैसे लग रही है, मुझसे पूछ रही है। ये देखिए दीदी को पूछो कैसे लग रहे हो। Thank you.
नदी तक पहुंच चुके हैं फ्रेंड हम। तो ये देखिए ये वाली जगह है नदी जो आपको दिख रही है। अभी कुछ टाइम पहले आपदा आई थी, पता ही होगा आप लोगों को, मान लेते हैं बहुत भयंकर तबाही हुई थी। तो ये देखिए यहाँ पे कितनी भयंकर कर रखी है यहाँ पे रोड। तो फ्रेंड हम लोग जा रहे थे अपने नानी गांव, नानी का गांव है मालदेवता में, अभी मामा का घर है बट एक पहाड़ में जाके है जहाँ का नाम बौठा है, तो बड़े मामा वहीं रहते हैं तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। तो अभी मौसी, मम्मी, दीदी, काजल, अंजलि हम सब लोग हैं, दो कार से हैं और मैं और हस्बैंड बाइक से, हमारी वो हस्बैंड बैठे हैं उधर देख रहे हैं और हमें रास्ते का पता नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आए। तो रास्ते में एक कार आगे पहुंच गई है भाई और दूसरे मौसी और अभी वो नीचे ही है शायद, तो हम यहीं पर रुक गए कि यहीं पर वेट कर लेते हैं अगर यही रास्ता होगा। तो देखिए हस्बैंड जी इधर बैठ गए हैं और ये व्यू देखिए अंदर कितना सुंदर है फ्रेंड, पहाड़ी पहाड़। ये वो जगह है फ्रेंड जहाँ पे आपदा आई थी, नीचे नदी देख सकते हो आप लोग। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ते ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, पहुंच गए हैं बौठा। और ये देखिए कितना सुंदर इधर घूम गया, पहले जब हमारी शादी नहीं हुई थी और हम इधर आते थे तो मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था बट अब तो बहुत अच्छा हो गया है यहाँ पे। मौसियों ने शॉर्टकट ले लिया था, ये देखिए पहुंच चुके हैं अपनी नानी घर। और ये देखिए हम सब लोग, आधे लोग हमारे घर पहुँच चुके हैं, हम थोड़ा लंबा रास्ते से आए तो हमें उस नए वाले रास्ते का पता नहीं था फ्रेंड्स। और ये इन लोगों ने शॉर्टकट लिया है मालदेवता से, अब जाते हुए हम सब साथ में ही जाएंगे। मौसी कैसा लग रहा है आपको अपने माई के आके? बहुत अच्छा। अंजलि को कैसा लग रहा है अपनी नानी घर आकर? सही बात है यार, ससुराल ससुराल ही है और माई का माई का ही है, चाहे कितने ही पहाड़ में हो माई का तो अच्छा ही लगता है ना। कैसा लग रहा आपको नानी घर आके? दोनों आप बोलिए, युग को कैसा लग रहा? आज मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ, मुझे लग रहा है अभी आई थी एक साल पहले लेकिन अब दोबारा मौका मिला शादी के बाद, मैं आई हूँ 13 साल बाद। चलिए अब आपको दिखाती हूँ मैं थोड़ा सा इधर का रास्ता फ्रेंड। ये मामा का थोड़ा सा पैदल है यहाँ से, 5 मिनट 2 मिनट का ही रास्ता होगा सिर्फ ये यहाँ से चलने का। ये देखिए ये अन्ना और पहले पहुंच चुके थे लोकेश मम्मी लक्ष्मी के साथ। ये देखिए तुझे वो छोटा सा दरवाजा है, ये देखिए ये हमारे नानी और का घर है और बच्चे कितने खुश हो रहे हैं। ये भी नानी और के हैं बने हुए और बच्चों को देखिए जरा, ये देखिए इनको, ये हमारी नानी घर है। ये देखिए अक्षिता तो लग गई काम पे ये देखिए सब नानी और का घर है। कैसा लग रहा पर लगता है ये सब, लेकिन हम पुराने लोग हैं जरा थोड़े। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है फ्रेंड्स, कितनी अच्छी जगह पे घर है। देखिए पीछे आ रहे हैं मौसा जी और हस्बैंड मौसी, और ये देखिए कितनी अच्छी जगह है फ्रेंड, पहाड़ी पहाड़। इधर तो सब लोग अभी खेती खुती करते ही हैं। चावल साफ कर रही है,
भाई देख ला सबको कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छी वाइब आ रही है दोस्तों। आपको कैसी फीलिंग आ रही है अपने माइक के आके? अच्छा, बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है बहुत, मतलब जितनी जितनी मतलब शहरों में गर्मी है उससे तो काफी बहुत अच्छा है, मतलब बिना पंखे के भी हम यहाँ पर रह सकते, हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है। देखिए इनको चारों तरफ हरियाली, और यहाँ पर देखिए इनको किचन में क्या बना रहे हो लक्ष्मी? पॉपकॉर्न लिया था, राजमा बना रही हूँ। मामा ने तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब काफी पुराना था, जब ये नया नहीं बना था, तब हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले एक सीढ़ी हुआ करती थी और हम इस पे चढ़ के ऊपर वाले कमरे में जाते थे, फिर बहुत मजा आता था। उधर लक्ष्मी लगी हुई है काम पे, और इधर देखिए आइए सारे हैं। इस चूल्हे पे यार बड़ी मामी ने हमारी बहुत खाना बनाया है, चूल्हे पे हमारे लिए ये देखो चूल्हे बनाया कितना बढ़िया है, एक प्लेट गांव की वादियों में। ये बड़ी बड़ी दीदी सलाद के लिए, ये देखिए ये मम्मी और मौसी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, इधर मैं और ये बैठे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। हमारे इसमें मौसी का दोनों आए प्याज उगते गाइस, लेकिन घर में बड़े भी तो होते होंगे, हमें छोटे ही दे रखे हैं, तो उन्हें छीन लेगा अब इसका क्या रीजन है? ये तो भाई हमें जो जो मालिक है वो तो जानता है, फोन वो लोग की छोटे जल्दी खत्म नहीं होते, सब बड़े बड़े यूं आ जाते हैं, तो इसलिए छोटे छोटे मसाले के लिए वो करने पड़ते हैं फटाफट खत्म। दोनों लगी है फोटो शूट, इन्होंने कर लिया है और अब ये अपने अपने फोन में लग गई है फोटो सेलेक्ट करने की। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा मेरी नानी का गांव, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। देखिए कितने सुंदर पहाड़, हरियाली हरियाली। आज भी मामा बोल रहे हैं कि हमने मिर्चें लगाई हैं, सुबह से फ़ोन करते तो छोटे वाले मामा मामी भी आए हुए थे, तो मतलब वो भी हमसे मिल लेते। और नानी तो मालदेवता में ही रहती है, वहीं छोटे मामा के साथ, यहाँ पर बड़े मामा मेरे अकेले रहते हैं। और इधर ना ये देखिए घर पे भी, मतलब ये जो दिख रहे हैं आपको, इधर भी रोड बन चुकी है, उधर को उधर से भी पहले पैदल का रास्ता हुआ करता था और वो सहजधारा निकलता था, अब वहाँ से भी कई बार आए। समृद्धि और पायल ने खाना खा लिया था, वो श्लोक के साथ लगे हुए थे, और बाकी सारे हम लोग नीचे बैठे हुए थे खाना खा रहे थे। बहुत टेस्टी बनाई हुई थी मामा ने दाल, राजमा की दाल घर की, मामा और लगाते हैं यहाँ पे दाल दूल, तो मामा ने राजमा की दाल उबाली हुई थी छोंक के, बहुत टेस्टी होती है। ये देखिए इसको लक्ष्मी को बैठ गई थी ये भी हमारे साथ खाने के लिए, बहुत मज़ा आया हमें यहाँ के। फ्रेंड मतलब कभी कभी होता है ना, मतलब कुछ चीज़ अगर हम बहुत अच्छे से बनाते हैं तो वो अच्छी नहीं बनती है, और मामा ने जो बनाई थी बहुत टेस्टी हो रही थी। और ये देखिए काजल रायते का डब्बा कर रही है, चाट रही है, मैं भी इधर बहुत रायता ही बहुत टेस्टी हो रहा था, वो तो अंजलि ने बनाया था, खैर अच्छा हो रहा था। ये देखिए दीदी को मज़े लेते हुए, बहुत मज़ा आता है कभी कभी ऐसे, मतलब नीचे बैठ के सब एक साथ खाना खाएं। तो ये इधर दो जने धो रहे हैं बर्तन, और मम्मी पत्तल उठा के फेंक रही है पता नहीं कहाँ पे, ये मामा खड़े हैं बोल रहे हैं मैं धो लूँगा, मैंने कहा नहीं हम धो लेते हैं, दीदी और बोल रहे हैं हम धो लेंगे। ये देखिए बच्चे लगे हुए हैं खेल में। तो फ्रेंड ये भी यहाँ पर देखिए घर है, ये भी ऊपर, जब पहले यहाँ मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं भी आती थी यहाँ पे, मतलब कई शादियों में आ रखी हूँ मैं भी। और ये तो मामा उन्होंने नए बनाए हैं अभी, पहले ना यहाँ पे एक वो हुआ करता था पीछे से छोटा सा दरवाज़ा, जब हम इधर से सहजधारा वाले रास्ते से आते थे ना फ्रेंड, तो हम आके सीधा इधर ही वाले दरवाजे पे अंदर जाते थे, सीधा इधर से घूम के नहीं जाते थे मतलब। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा मेरे नानी का घर आप लोगों को, कैसा मतलब जो भी आपको बोलना होगा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, आजकल मैं माइक के आई हुई हूँ तो अभी मैं थोड़ा इधर ही के व्लॉग डालूँगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।